दोस्तों गुम है किसी के प्यार में नजर आने वाले अभिनेता नील भट्ट आज अपने शो के जरिए खूब मशहूर हो चुके हैं। इसी के साथ ही इन्होंने ऐश्वर्या शर्मा से शादी कर अपना घर भी बसा लिया है, जिनके साथ इनके बेशुमार प्यार के साथ ही हमें इनके ससुर जी के साथ भी बेहद खूबसूरत रिश्ते देखने को मिलते हैं, जिनके बीच एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार और रिस्पेक्ट है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं ससुर दामाद की जोड़ी में जहाँ नील भट्ट और उनके ससुर की लोगों ने खूब तारीफ की, तो वही इनकी जैसी जोड़ियां हमारे इंडस्ट्री में और भी मौजूद है। तो आखिरकार कौन सी है वो ससुर दामाद की जोड़ी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के जरिए। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले। नंबर एक, अभय भार्गव और करण पटेल। करण पटेल और अभय भार्गव ससुर और दामाद की सबसे पहली जोड़ी है। बता दें दोनों ही जहां ये है मोहब्बतें सीरियल में काम कर चुके हैं, तो वहीं रियल लाइफ में इनके बीच में ससुर और दामाद का रिश्ता है। जी हां, शो में काम करने के दौरान ही अभय भार्गव ने करण पटेल को अपनी बेटी के हमसफर के रूप में पसंद कर लिया था और इसी वजह से अंकिता भार्गव और करण पटेल की साल 2015 में शादी हो गई, जिनके इस शादी से ससुर दामाद की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ काफ़ी रिस्पेक्ट से रहते हैं। नंबर दो, उदय टिकेकर और आशीष देशपांडे। भाग्यलक्ष्मी शो में नजर आ रहे उदय टिकेकर और आशीष देशपांडे भी इस लिस्ट में शुमार है। बता दें जिस तरह ये शो में काफ़ी अच्छे ससुर जी की भूमिका निभाते हैं, रियल लाइफ में भी काफ़ी अच्छे ससुर हैं, जिनके दामाद का नाम आशीष देशपांडे है, जो कि इनकी बेटी की तरह ही एक आर्टिस्ट है और काफ़ी सफल भी है। बता दें यूँ तो इन दोनों की ज़्यादा तस्वीरें देखने को नहीं मिलती, पर इनके बीच काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, जो एक दूसरे को हमेशा ही सपोर्ट करते हैं और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। नंबर तीन, नरेंद्र त्रिपाठी और विवेक दहिया। ससुर और दामाद की जोड़ी में एक नाम विवेक दहिया और उनके ससुर जी नरेंद्र त्रिपाठी का भी शुमार है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं विवेक दहिया ने अभिनेत्री दिव्यंका त्रिपाठी से शादी कर अपना घर बसाया है, जिसकी वजह से दिव्यंका त्रिपाठी के पिता नरेंद्र त्रिपाठी उनके ससुर जी लगते हैं, जो कि पेशे से एक फार्मासिस्ट है, जिनके पास यूँ तो ज्यादा समय नहीं रहता, पर इसके बावजूद दोनों ही टाइम निकाल कर एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते हैं और हमेशा ही एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। नंबर चार, दिलीप जोशी और यशवर्धन। इस लिस्ट में आखिरी नाम शुमार होता है अभिनेता दिलीप जोशी और यशवर्धन का। बता दें दिलीप जोशी की बेटी ने कुछ समय पहले ही यशवर्धन से शादी कर अपना घर बसाया है, जिसकी वजह से दिलीप जोशी और यशवर्धन में भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड नजर आता है, जिनके इस रिश्ते को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ इसलिए इनकी ज़्यादा तस्वीरें देखने को नहीं मिलती, मगर एक दूसरे के लिए इन दोनों का प्यार और रिस्पेक्ट साफ तौर पर दिखाई देता है, जो कि हमेशा ही एक दूसरे की खुशियों का काफ़ी ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों आपको टीवी इंडस्ट्री के इन अभिनेताओं की ससुर दामाद की जोड़ी कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।